चल रहे हैं वोट देने के लिए। तो हमने किसे वोट डाला है उस पर जो हम लोग कुछ देर में चर्चा करते हैं। रिया ने पहली बार अपना वोट दिया है और हमारा वोट भी जो है लेकर के क्या कहे जी बोलने में भी शर्म लग रहा है। हम भी पहली बार ही वोट दिए। किसी को वोट देना तो कहा जाता है ना कि एक है डाकू एक है चोर। हम डाकू को वोट नहीं देंगे, चोर को वोट डालेंगे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो हम लोग जी आ गए हैं जिया के नानी घर से। जी हाँ, जिया के नानी घर से आ गए हम लोग। और फिलहाल जो है कि रियान सपना पी रहे हैं ग्लूकोज पानी। और जिया जो है आज बहुत दिनों बाद जो है अपना प्रमोशन सब सारा शूट सब की कोलैबोरेशन सब का इसका वीडियो सब जो है बहुत दिन से रखा हुआ था। लगभग 15 दिन हो गया है, 15-20 दिन से हमने कोई शूट नहीं किया। बिल्कुल जी, तो इसमें तो एक हफ्ता तो हम लोग बाहर थे और कुछ दिन जो है क्रियांश का थकावट और क्रियांश का रूटीन जो है थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो आज क्या हुआ कि हम कहे कि ऐसा करते हैं हम क्रियांश के बगल में लेटते हैं, तुम जा करके काम करो। क्योंकि क्रियांश का क्या दिक्कत है कि जब भी इसको अकेला छोड़ देंगे तुरंत उठ करके आ जाता है। पता नहीं क्या आदत है, अकेले क्यों नहीं सोता है ये। आज भी लेकिन फिर ये कोशिश किए थे कि इसको सुला के करते हैं, लेकिन ये जैसे उठ के आया ना ये भी उठ के आ गया। बिल्कुल जी, तब अंत में जो है हम दोनों का साथ में जो कुछ वीडियो सब शूट हो रहा था हमने कहा छोड़ दो उसको, तुम अकेले अपना वीडियो सब शूट कर लो, हम इसको संभालते हैं। क्या है ना कि हम लोगों का साथ में इनको टाइम नहीं भी मिलता है तो फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कैसे भी इनको टाइम थोड़ा मैनेज करके इनके साथ शूट करें, क्योंकि इनके साथ जो शूट करते हैं ना कॉमेडी वीडियो वो हमारा बहुत अच्छा वायरल जाता है। इस वजह से कोशिश करते हैं, बट क्रियांश जो है कोशिश पे पानी फेर देता है, पानी फेर देता है। तो चलिए कोई बात नहीं जी, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे इस बीच में जो है अपना एक टाइम निकल जाया करे और कुछ ना कुछ मैनेज कर ले। बिल्कुल, बड़ा होगा तब उसके बाद कुछ हो सकता है राहत मिले। तो फिलहाल जाओ तुम, हम इसको पकड़ते अपना ड्रेस सब चेंज कर लो। 3 hours later. तो हमारा नाश्ता हो गया जी तैयार, शाम का नाश्ता। इसमें थोड़ा सा मुर्गी डालेंगे, इतने से जो मेरा पेट नहीं भरने वाला, थोड़ा सा ही है। इसमें से ले लीजिए, नहीं तुम खाओ ना अपना, लेकिन हम मुर्गी डालेंगे इसमें, मुर्गी के बिना थोड़ी खाएंगे आप, पेट भर जाएगा अच्छे से, हेल्दी वैसे भी रहेगा, वो भी चावल ही है ना। चलिए करो, तो चाय बन रहा है। तो जिया तो चाय नहीं पीती है, जिया ने शादी से पहले ही कहा था कि जिया चाय नहीं पीती है। आपके डर से पीना छोड़ दी मैं। कुछ कुछ ही अच्छा आदत है उसको, बस मेंटेन रखो, क्या दिक्कत है। चाय पीना कौन सा अच्छा आदत है। तो अभी बज रहे जी रात के 9:15, कुछ देर पहले ही जो है एक दूध का पैकेट लेकर के आ गए, क्योंकि सुबह सुबह हम लोगों को पीना होता है बनाना शेक, और बनाना शेक के लिए जो है कई बार दिक्कत हो जाती है दूध की, इसलिए जो है सोचा कि एक दिन पहले ही लेकर के रख लेंगे ताकि सुबह सुबह अपना जो उठ करके पी ले। और फिलहाल जो है हम लोगों के खाने का भी समय हो गया है, तो सुगंध भी जो है खाने की बहुत ही अच्छी अच्छी आ रही है। तो चलते हैं देखते हैं क्या बना हुआ है। तो जैसे ही अंदर चल रहे हैं जी, यहाँ पर रोटी बन रहा है और साथ में जो है सब्जी बना है, किसका, आलू और आलू परवल का सब्जी बना हुआ है। तो हम लोग जो आलू परवल का सब्जी खाने वाले हैं और उसके बाद जो है रोटी बना हुआ है। तो जल्दी से 4 रोटी जैसे ही बन जाए तो हमको खाना दे देना ताकि हम जल्दी से बैठ जाएं। एक पहले गाय की रोटी निकाल लेते हैं, फिर आपको गरम गरम रोटी देंगे। और क्रियांश उधर साइकिल में हॉर्न बजा रहा है, क्रियांश को लीजिएगा तो डैडी खाएंगे। ठीक ठीक ठीक, जल्दी करो। द नेक्स्ट डे क्रियांश जो नहा करके आ गया है, और ये देखिए कैमरा ऑन करते हैं इसको, क्या प्रॉब्लम है, क्या बोलो क्रियांश को देख सकते हैं। क्रियांश इतना बदमाशी कर रहा है ना, फैन ऑफ कर दिया ना पापा, बोलो अभी डांट पड़ा है क्रियांश को। क्रियांश क्या किया, एक एक करके दोनों फोन फेंक दिया, पापा का भी मम्मा का भी। हाँ बोलो क्यों किया, क्यों किए, बोलो क्यों किए। अच्छा कोई बात नहीं, 4 फोन और फेंक देता, कोई बात नहीं। एक्टिंग देख लीजिए आप लोग, ये एक्टिंग का जो है ना बहुत बड़ा एक्टिंग बाज हो गया है। अब फोन को ना ऑफ करेगा, कैमरा ऑफ करना है इसको। तो सभी लोग नहा चुके हैं, खाना पीना खा चुके हैं, तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैंने बोला आप क्रियांश को आप संभालिए थोड़ी देर। पता है आज नया जो बेडशीट बिछाए थे पूरा बेडशीट पे आके उछला है। अच्छा ठीक है, जाओ मैं नहाने। ठीक, जाओ। 2 hours later. तो हमने नहा लिया और खाना पीना सब कुछ हो गया, पूजा पाठ, और अब चल रहे हैं वोट देने के लिए। प्रदीप को बोल रही हूँ जल्दी से चलिए, क्योंकि वहाँ से आने के बाद हमें बहुत सारा काम भी है, क्योंकि दोपहर के टाइम पे ही हम रील्स वगैरह शूट करते हैं, जो भी प्रमोशन कोलैबोरेशन के वीडियोस होते हैं शूट करने वाले, सारा कुछ मैं इस टाइम पे करती हूँ। और ये जो है ना इतना लेट लगाते हैं हर काम में, इतना लेट करते चलिए ना। और मैं ना इस बार फर्स्ट टाइम वोट देने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे देना है वोट वगैरह वो भी मुझे नहीं पता, इनसे मैं पूछूंगी। ये तो जानती हूँ वहाँ पे ऐसे जाकर के प्रेस करना होता है जिसको भी आपको वोट देना होता है, तो मैं इनसे अच्छे से पूछूंगी ताकि वहाँ पे जाके मुझे ये ना लगे, सभी लोगों को ये ना लगे कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैं इनसे पूछ लूंगी, आप दिए यहाँ पे पहले कभी
गए हैं, ठीक है चलिए अब टी शर्ट पहनिए चलिए, बगल में ही है तो जाना है और आना है। हम लोगों ने वोट दे दिया। हाँ जी, तो हम शुरुआत करने वाले थे जी, यार शुरुआत कर दिया, कोई बात नहीं जी। तो यहाँ पर आए, यहाँ सरकारी स्कूल है अपना, यहाँ पर आकर के जो वोट सब दे दिए। भीड़ अभी उतना नहीं था, दोपहर का समय था, अच्छा था, थोड़ा लेट ही आए ताकि आराम से जो है वोट दे दे। सुबह सुबह समझते थे थोड़ा भीड़ रहेगा, और अच्छा है जी, अपना जो यह लोकतंत्र का एक हिस्सा है उसमें सभी को भाग लेना चाहिए। मैंने फर्स्ट टाइम दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल। वो जो था मशीन VVPAT, उसमें तुम चेक कर रही थी कि तुम्हारा वोट कहाँ पर है, वो भी दिखाता है। हाँ, उधर दिखा, देख रही थी। हाँ, देखे। चलो मुझे कोई बात, लगा उससे कुछ निकलेगा, अभी हम दो मिनट इंतजार करें। पर्चियों से निकलता है ऐसा नहीं, वो हम लोग के पास नहीं आएगा लेकिन उन लोग के पास रहता है। चलो ठीक है, चले चलते हैं, बहुत धूप है, बहुत खतरनाक दी, तो चलते हैं घर। क्रियांश भी वहाँ पर है क्योंकि उसके दादा दादी उसको पकड़े हुए हैं, और अगर क्रियांश को लेकर के यहाँ आते तो कितने अच्छे से हमारा मतदान हो जाता, तो आप समझ ही सकते हैं जी। तो चलते हैं जी। वोट देके तो आ गए, और अभी आप देख रहे होंगे एकदम मैं एकदम अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। इसलिए रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा वीडियो शूट करना है, और धूप इतनी तेज है ना छत पे, छत पे मैं जाकर के सारा वीडियो वगैरह शूट करती हूँ। कुछ कॉमेडी की वीडियो जो रहती है आप लोग देखते हैं वो मैं घर पे नीचे करती हूँ, लेकिन फोटो स्लोमो वगैरह जो भी होता है नॉर्मल वीडियोस वो मैं छत पे जाकर करती हूँ। लेकिन अभी इतनी तेज धूप है ना कि वहाँ जाते मेरा आँख ही नहीं खुल रहा है। बहुत लोगों का होता है, जैसे मेरे साथ होता है कि धूप में मेरी आँखें नहीं खुलती हैं, और बाद में वीडियो बना नहीं सकते क्योंकि क्रियांश उठ जाएगा तो वो वीडियो बनाने नहीं देता है। तो अभी जैसे तैसे मैनेज करना होता है, तो चलते हैं वीडियो बनाते हैं। बाकी पतिदेव को भी बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा एक दो कॉमेडी हमारे साथ वीडियो बना लीजिए, क्योंकि उनके साथ वीडियो बनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वीडियो अच्छे भी जाते हैं, व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं उस वीडियो पे। देखते हैं पतिदेव आते हैं कि नहीं आते। फाइनली क्रियांश जो है हमारा सो गया है, और उसके अलावा जो हम लोगों का काम भी हो गया, तो हम लोग को जो सूट सब करना था वह सब भी हो गया। फोन क्यों लेके जा रही है? बहुत गर्म हो गया, हम सोच रहे थे रूम में रख दे, एसी चल रहा है तो ठंडा हो जाएगा। रख दो। तेज गर्म हो रहा है ना छत पे, इतना धूप। बिल्कुल जी, आज हम लोगों का जो है मेन काम सब भी हो गया। सबसे मेन काम जो था वोट डालना, तो हमने किसे वोट डाला है उस पर जो हम लोग कुछ देर में चर्चा करते हैं। तो बाकी बताइए हमारा साड़ी कैसा लग रहा है? साड़ी अच्छा है, जाहिर सी बात है हम खरीदे तो अच्छा होगा ही, और जब हम खरीदे तो कुछ दे करके ही लिए होंगे। अच्छा। हमसे पूछने क्या बात है फिर? अरे नहीं, आने के बाद भी होता ना कैसा लगा। हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है एकदम, ये बिल्कुल फेस्टिव के लिए लिए थे, तो किसी भी फेस्टिवल सबके लिए फेस्टिव लुक आता है इसमें। बट उस टाइम पहन नहीं पाए, तो कोई बात नहीं, तो अभी पहन के वीडियो शूट कर ली ना, बस हो गया। उसके बाद कोई फेस्टिवल है उसमें भी पहन लेना, आगे कुछ ना कुछ तो आने ही वाला है। और बाकी जी, जिया का जो है आज पहली बार वोट था, जिया ने पहली बार अपना वोट दिया है, और हमारा वोट भी जो है लेकर के क्या कहे जी, बोलने में भी शर्म लग रहा था, हम भी पहली बार ही वोट दिए। अच्छा। तो आज तक रहते नहीं थे। बिल्कुल यहाँ रहते नहीं थे, और एक दो बार जब गए वोट डालने के लिए तो मालूम चला क्या मेरा वोटर कार्ड में नाम ही नहीं है। ऐसा ही करके कुछ ना कुछ संयोग हो जाता था, पता नहीं क्या होता था, कुछ ना कुछ इशू हो जाता था। और इनका मैं एक बात बताऊँ, इनका जितनी बार वोटर कार्ड आता है उसमें कुछ ना कुछ गलत रहता है। इस बार भी गड़बड़ था, तो इस बार हम जो है कम से कम 3 वोटर कार्ड आया हुआ है, सब गलत है। अब क्या कहे जी, बार बार करेक्शन के लिए वहाँ पर दे देते हैं कि फिर कुछ ना कुछ, मतलब जो नाम और जो डेट ऑफ बर्थ जो पता सही भी रहता है उसमें से कुछ ना कुछ गड़बड़ करके दे देता है। जो गलत रहता है उसको सही कर देता है, फिर बाकी चीज़। भाई साहब कैसे कैसे लोग हैं भाई ड्यूटी पर, थोड़ा ध्यान से करिए जी, बार बार हम लोगों को दौड़ना पड़ता है वहाँ पर। मेरा था कि एक ही बार में ठीक हो गया था। बिल्कुल जी। और बाकी जी बात करते हैं कि किसको वोट दिया। लोकसभा चुनाव है और हमारे वोट से जो है इस बार जो है देश के प्रधानमंत्री चुने जाने वाले हैं, उनकी सरकार आएगी और उन्हीं सरकार पर जो निर्भर होगा जो देश का भविष्य होगा आगे 5 साल तक का। बात रही जी वोट डालने की, तो क्या कहे जी, हम लोगों के पास जो है कह सकते हैं कि कोई भी उतना अच्छे से ऑप्शन नहीं आ रहा है कि जो हम कह सके कि एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ यहाँ जो है बहुत अच्छा रहेगा उम्मीदवार और यह पार्टी काफी अच्छी रहेगी, तो उसको हम वोट देते हैं, इससे हमारा फायदा होने वाला है। हम लोगों का जो जी स्थिति रहता है जी, वह स्थिति रहता है आगे कुआं पीछे खाई। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, हम मिडिल क्लास को तो हर पार्टी को बस एक ही काम है जी, बस चूसना है, बस हम लोग अपना कमाओ, मेहनत से कमाओ, उसके बाद जो उसके ऊपर टैक्स दे दो, और टैक्स देने के बाद भी जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो अगर हमारे टैक्स का कुछ अच्छे से उपयोग हो रहा होता तो उसके बाद तो जी हम लोगों को थोड़ा सा अखरता भी नहीं कि इतना हैवी टैक्स है, 20%, 30% यह सब जो टैक्स स्लैब सब आ चुका है, और किसी किसी प्रोडक्ट पर तो लगभग देख रहा हूँ 25%, 30% GST तक आ चुका है। हम मिडिल क्लास जी मेहनत करते हैं, बस किसी तरह से कमाते हैं, और हम लोगों का टैक्स में चला जाता है पैसा, बहुत पैसा चला जाता है। हम लोगों को तो फ्री राशन नहीं मिलता, तो फ्री राशन में मिलता तो हम कहते हैं हमको बहुत अच्छा मिल रहा है ये चीज़। कोई बात नहीं, गरीब लोगों को उन लोगों को मिल रहा है, सही बात है। तो एक चीज़ है जी, सही बात कहा गया है कि
जो गरीब है ना उसको सरकार देख लेगी, जो अमीर है अपने आप को अमीर जो है खुद को देख लेगा, लेकिन जो मिडिल क्लास है उसको कोई नहीं देखने वाला है। आपको अपने से ही मेहनत करके आगे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करना है, और जो अमीर आदमी होते हैं ना उनको पता भी होता है कि टैक्स में कैसे बचाव करना है, क्या करना है, वो सब वो अपना सब कुछ इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। बड़े बड़े सीए फर्म सब अपना हायर सब कर लेते हैं, और हम लोग जो है अपना बस कमाते जाओ, बस करते जाओ, ठीक है। तो ठीक है जी, बस किसी को वोट देना तो कहा जाता है ना कि एक है डाकू एक है चोर, हम डाकू को वोट नहीं देंगे चोर को वोट डालेंगे, तो ऐसा ही स्थिति है। उम्मीद करते हैं जी अपने देश में भी कभी एक अच्छा ऑप्शन आए और जिसके बारे में कह सके कि हाँ ये बहुत अच्छी पार्टी है, इसने भी बहुत अच्छा काम करे। और बहुत लोग जो है सिर्फ बीजेपी बीजेपी बीजेपी, कुछ लोग कांग्रेस कांग्रेस, कुछ लोग कांग्रेस कांग्रेस, तो आप लोग अच्छे से न्यूज देखिए। आजकल क्या है ना, न्यूज चैनल वाले को भी सबने खरीद लिया है, बिल्कुल इसलिए सच्चाई सामने नहीं आती है। तो बस सबके मुझे से मैंने आपके मुंह से सुना बीजेपी, उनके मुंह से सुना कांग्रेस, तो बस वही सुने रहते हैं और वोट दे देते हैं। तो बस वही होता है जी, अपना टीवी अखबार ये सब, अब तो कोई भी जो सही न्यूज क्या होता है अब तो वो पता भी नहीं चलता, और सही न्यूज के लिए खंगालना पड़ता है। कि जैसे एक मीडिया चैनल यह न्यूज दिखाया तो उसके बाद मुझे क्या होता है कि जिसके बारे में न्यूज बता रहे हैं, मान लीजिए किसी सरकार का न्यूज है, तो मैं सरकार की वेबसाइट पर जाकर के चेक करता हूँ कि सच में ऐसा कुछ है कि नहीं, और कई बार ऐसा पाया गया है जी 10 में से 6 बार 7 बार जो न्यूज फर्जी निकल गई है। तो ऐसा ऐसा ही चल रहा है, तो कोई बात नहीं जी, बस जैसे है अपना जिंदगी जीना है, बस भगवान से दुआ करना है, बस अपना जीवन यापन चलते रहे। हम लोग मिडिल क्लास सब फैमिली है, और जिस तरह से हमारा मम्मी पापा ने जो है ख्याल रखा उसी तरह से हम जो है अपनी आगे आने वाली पीढ़ी का ख्याल रख सके। तो इसके साथ जी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले। हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।